सर एक 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 लेके खाली कैमरा देखो ना सर इधर कैमरे को देखो मोहन खाएगा मोहन मेरा केजी फ्रेंड है भाई खुशी का दिन है, खुशी का माहौल है कि नवा वर्ष में पहला जन्मदिन है जो हमने यहाँ पर देवा साहब का सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और देवा बहुत मेहनती है और सेकेंडली देवा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए खास करके उन्होंने इतना मेहनत किया है कि असंगठित लोगों का जो कामगार है उस विभाग के लिए उन्होंने अपना दिल जान से उन्होंने काम किया है। और देवा जो बोलता है वो करके दिखाता है और इसलिए माननीय शरद पवार और अजीत पवार उनको बहुत चाहता है नजीक से। और आने वाले दिनों में मैं ये चाहता हूँ कि भगवान के आशीर्वाद से अगर उसको नगर सेवक का टिकट मिलता होगा तो वह अवश्य जीत के आना चाहिए, ऐसा हम लोगों का इच्छा है। फिर एक बार देवा को उसके बर्थडे के लिए शुभ दिन के शुभ अवसर पर उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। विजय हो। वो अचीव करना है और मैं सिर्फ इतना कहूँगा मेरे सब शुभेच्छा है उनके साथ है और हम लोग उनके साथ है। आप चलो हम आपके साथ है। हार्दिक शुभेच्छा देवानासाठी। पहिल्यांदा ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली यांच्याबरोबर बर्थडे सेलिब्रेट करायचा, मागच्या कित्येक वर्षापासून आम्हाला बोलवत आहेत पण संधी नाही मिळाली। आज आमचं नशीब की आम्ही यांच्याबरोबर यांचा बर्थडे सेलिब्रेट करतोय। थँक यू। Hello, this is I am the Northwest District President for unorganized Seva Sangh. And would like to wish Deva Anna happy birthday. Thank you. And all the best for his career. May he prosper in life and in health. Thank you. Once again, thank you. देवस भाई का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम यहाँ उपस्थित है और हमारी तरफ से और बाकी सब लोगों की तरफ से इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवान्ना का हैप्पी बर्थडे है तो सारा गॉड से प्रेयर किया है कि देवान्ना को गुड लक, सारा चीज ये पूरा साल में पूरा बिजनेस फाइनेंस गुड हेल्थ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ पे, यही मेरा आशीर्वाद है देवान्ना के। थैंक यू। तो किस तरह का विशेष दिन है? अच्छे आदमी का ही जन्मदिन बहुत ताकत से मनाया जाता है और इतने वेल विशर जब यहाँ पे है तो इसका मतलब वो पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है ये तो आपके सभी के समझ में आया होगा। उनके बारे में सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ जब भी किसी को भी ज़रूरत रही तो मैं यहाँ पे ACP 2.5 साल तक था तो मैंने देखा कि कोई भी गरीब आदमी अगर तकलीफ में है तो फिर वो ये नहीं देखेंगे कि वो कौन सी पार्टी का है, कौन सी जाति का है, कौन से पंथ का है, लेकिन बिल्कुल उसके लिए वो झगड़ते थे, यानी सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं करते थे झगड़ते भी थे। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं चाहता हूँ ऊपर वाले से, जैसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह, कोई यीशु, कोई गौतम, कोई महावीर, तो जो परम शक्ति है उसे सिर्फ इतनी विनती करता हूँ कि उसे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य मिले
और उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो, बस इतनी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। क्या सबसे पहले मैं आप सभी मित्रगण, हमारे एसीपी साहब ऑस्कर मैडम, हमारे जो जिला अध्यक्ष वेणुको डिसूजा, नितिन सर और मेरी तमाम टीम, अलीम भाई, नीलेश भाई, अफसर भाई, इन तमाम टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग आज मुझ जैसे एक छोटे आदमी के जन्मदिन पे आप सब लोग आए, तो आप लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। बस मैं आपसे और ईश्वर से यही चाहूँगा कि आप लोग का ऐसे ही साथ मुझे हमेशा मिले, और जो आप लोग का जो साथ और उपस्थिति जो मेरे ज़िंदगी में है, यही मेरी शक्ति है जिसके वजह से मैं लोगों के लिए काम कर पाता हूँ। और जैसे हमारे एसीपी साहब है, हमारे मैडम है, तो जिधर जिधर मेरी चूक होती है तो मुझे जो गाइडलाइंस मिलते हैं, जो मुझे जो मेरी जो मिस्टेक्स जो मुझे बताएं, जो मेरे गुरुस्थान पे है, यही है हमारे गुरुस्थान, जो हर एक चीज़ हमको बताते हैं। हमारी जो अल्पना का पेंटर है, जो मुंबई की उपाध्यक्ष है, तो उनका भी हमेशा हमेशा मुझे गाइडलाइंस रहती है कि किस तरीके से काम करना चाहिए। और पवार साहब के जो उद्देश्य है, पवार साहब का जो थिंकिंग है, उसको जो जनता है उन तक मैं किस तरीके से पहुंचाऊं। और आज मेरा बर्थडे एक छोटा सा निमित्त है जिसके लिए हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और आगे जाके किस तरीके से पब्लिक की सेवा कर सकूँगा, और मेरे से जितना होगा, और मैं हमेशा मैं साहब को भी परेशानी करता हूँ इसी चीज़ में, तो सर आगे भी आपको परेशानी करते रहूँगा। और आपके आशीर्वाद से और बाकी सबों के आशीर्वाद से मैं और अच्छा काम कर पाऊँ, ये मेरा एक उद्देश्य रहेगा। और आप सब लोग आ जाए, इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देवा और मैं लगभग पिछले 35 साल से दोस्त हैं, जूनियर डिजन साथ में पढ़ रहे हैं हम लोग, एंड मराठी बोलूक तर उदाहरण म्हणजे देवनाचार्य। या दिवशी त्याच्या वाढदिवसाच्या दिवशी एकच सांगेन की आई बाबांनी तिला त्याला खूप मोठं दीर्घ आयुष्य दिलं, हेच मागणं आहे माझं। कार्यकर्ता आहे और यहाँ गरीबों की बहुत मदद करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़े, अल्लाह इनकी तरक्की दे कि लोग यहाँ ये मसीहा जैसा समझें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत आगे बढ़ेंगे। Thank you.